Hello students, welcome back to accounting classes. In the previous class, we learnt about three topics of chapter 7, Companies Account. So, this is the chapter. The book name was T.S. Garewal. ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. सो हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, हम इसी को मूव ऑन करते हैं. आपने देखा होगा कि हमने इसके अंदर तीन टॉपिक्स क्लियर कर रहे थे, मीनिंग ऑफ कंपनी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी. ये तीन टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए थे. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं सर. बाकी के हम तीन टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे. ऐसे धीरे धीरे हम कर देंगे तो चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. फोर्थ टॉपिक वाज मीनिंग ऑफ शेयर्स, फिफ्थ टाइप ऑफ शेयर्स, सिक्स्थ वेरियस इशू प्राइस ऑफ शेयर्स. मीनिंग ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर, वेरियस इशू प्राइस ऑफ शेयर्स. सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ शेयर्स को लेकर चलते हैं. मीनिंग ऑफ शेयर क्या है? अ शेयर इज अ पार्ट और अ यूनिट इन टू विच टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. शेयर क्या है? शेयर ये एक पार्ट है. किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है. किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है. शेयर क्या है? पार्ट है और यूनिट है, जिसके अंदर क्या होता है, विच टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. जिसके अंदर जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है. सो अगर टोटल कैपिटल डिवाइड होगी शेयर पे, तो ईच सच यूनिट उस हर एक चीज को हम शेयर कहेंगे, उसे हम शेयर कहेंगे. शेयर क्या है? कैपिटल का एक पार्ट है या एक यूनिट है. ठीक है, कैपिटल शेयर की वजह से बनी. ठीक है, तो इसलिए शेयर बहुत बड़ा हिस्सा है. शेयर की वजह से ही कैपिटल है, एक तरीके से देखा जाए तो शेयर की वजह से ही कैपिटल है. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है. कैपिटल, ये कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट है अगर हम उसे दूसरे वर्डों में कहें. एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी. जो ओनरशिप का बेस फॉर्म करती है किसमें? कंपनी में, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो. सो द टर्म शेयर कैपिटल. आई थिंक यू गॉट इट, बिकॉज इसके अंदर कुछ नहीं है. शेयर का मीनिंग बोला हुआ है इसके अंदर. शेयर की वजह से कैपिटल है. ठीक है, तो शेयर क्या है? एक पार्ट है यूनिट कैपिटल का. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. ठीक है, इस चीज इज कॉल्ड शेयर. शेयर का मीनिंग यही तो हुआ, ये तो समझाना चाहता था मैं. ये तो हमारा कंसेप्ट फोर हमारा क्लियर हो गया. थैंक यू.